हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रीवियस वीडियो में 1ABC कंप्लीट करवा चुके थे, आज हम आपको D और E पार्ट दोनों इस क्वेश्चन में पढ़ाकर ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पढ़ाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ध्यान से पढ़िए क्या है क्वेश्चन, इस पे जरूर आप लोग सभी ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है 0.5x प्लस 9.5 इक्वल टू 10.2 प्लस 35x। आपको इस इक्वेशन को सोल्यूशन करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके बाद इसको वेरीफाई भी करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहां पर जो भी वैल्यू x x की उनको एक तरफ ले लीजिए, बाकी सभी नंबर्स को एक तरफ लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखे 0.5x लिखा तो लिख लीजिए बिल्कुल, ये प्लस 35 x को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो -35x हो जाएगा इक्वल टू, ये 10.2 तो है ही है और ये प्लस 9.5 था, इसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 9.5 हो जाएगा। थोड़ी डेसिमल रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना सेम वही है, वही प्रोसीजर है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0.5x माइनस 35x, तो 35 तो वैसे भी बड़ा होता है, तो ग्रेटर नंबर से लोएस्ट नंबर हमें माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, ये है माइनस का साइन है, तो हम लोग क्या करते हैं ग्रेटर नंबर से लोएस्ट नंबर माइनस कर देते हैं। तो आप अपने कर सकते हैं 35.0 लिख लीजिए और 0.5 माइनस कर लीजिए, 10.5 4 और 0 34.5 आ जाएगा, तो माइनस कर लिख लीजिए 34.5x, क्योंकि x में था है ना इक्वल टू, और 10.2 से 9.5 माइनस कर लीजिए तो ये भी रफ में कर लीजिए, 10.2 से 9.5 माइनस करिए 12.57 और 9 में 0 तो ये हो जाएगा 0.7 है ना। तो देखिए बिल्कुल इजीली तरीके से हो गया है ना। तो देखिए वैल्यू जो भी दी है आपको सिर्फ माइनस करना था। अब देखिए 34.5 इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लीजिए तो x इक्वल टू क्या होगा 0.7 अपॉन 34.5, ये माइनस में आएगा, क्योंकि ध्यान रखिए जब भी माइनस का साइन नहीं कि आप इधर लेकर आएंगे तो प्लस पे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो माइनस के नंबर दिए गए मल्टीप्लिकेशन में है, आप इसे ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइडेशन में हो जाएगा, ठीक है इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर ये पॉइंट की वैल्यू थी तो ये पॉइंट पॉइंट कट गए है ना, क्योंकि 1 डिजिट पहले यहां पर भी पॉइंट है, यहां भी 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो पॉइंट पॉइंट हम बिल्कुल कट कर सकते हैं। तो वैल्यू अब फ्रैक्शन क्या बन गया 7 अपॉन माइनस का 3.45। अब अगर कट हो रहा हो तो इसको कट भी कर लीजिए, तो देखिए 7 से कट हो सकता है, शायद 7 हो जाएगा और 7 4 जा 28 और इसके बाद 6 बचेगा तो कटेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा है ना, थोड़ी तो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल, और कटेगा भी नहीं तो नहीं कटेगा, तो भाई कोई बात नहीं इसको रहने दीजिए, यही x की वैल्यू आपकी हो गई है ना, दैट इज आंसर। तो देखिए बिल्कुल बस x की वैल्यू जो भी आए उसको फिर पुट करना होगा और सोल्यूशन करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करके इसको वेरीफाई करना है ना, तो बिल्कुल इजी तरीके से है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं कटेगा कोई बात नहीं, कट जाता तो बहुत अच्छी बात होती, बिल्कुल इजी तरीके से हो जाता है ना, और नहीं कट रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, नहीं कट रहा है तो प्लस 35x। चलिए इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देते हैं और यहां पर वेरीफाई करना है तो नोट करिए 0.5 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू जो भी पुट करनी है उसको पुट कर लीजिए, 7 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस का 3.45 जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करने लायक बनेगा है ना, नहीं सोल्यूशन करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा बड़ा, ग्रेटर हो गया, वैल्यू देख लेते हैं और इसको हम आपको इरेज करके ही आप फिर नेक्स्ट पूरा पढ़ाते हैं तभी समझ में आएगा, ठीक। देखिए x की वैल्यू 7 अपॉन माइनस 3.45 लेकर आए थे, इसको रहने दीजिए और यहां पे नोट कर लेते हैं x की वैल्यू क्या थी माइनस 7 अपॉन 3.45, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहां पर जो वैल्यू दी गई उसको आप पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 0.5x प्लस 9.5 इक्वल टू 10.2 और ये प्लस का 35x, इतना आपको देखिए क्वेश्चन पे हो गया, ठीक ये क्वेश्चन यहां पे हमने नोट कर लिया। अब सोल्यूशन करना है तो x की वैल्यू जो दी गई उसको आप पुट कर दीजिए, तो 0.5 और मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है माइनस का 7 अपॉन 3.45। चलिए नोट करते हैं कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं कि भाई क्वेश्चन अगर मान लीजिए है भी नहीं कट रहा तो क्या किए, जबरदस्ती थोड़ी काट सकते हैं, कट जाता तो ज्यादा अच्छा होता, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है अब सोल्यूशन करते हैं। यहां पर देखिए 0.5 लिखा तो इसको हम पॉइंट हटाकर 1.0 लिख सकते हैं, आपको मालूम होगा कोई भी जैसे डेसिमल नंबर तो 1 लिखकर पॉइंट हटाते हैं, जितनी डिजिट होती है उतनी नीचे यहां पर 0 भी लगा सकते हैं। कट हो रहा है उसको बड़े आराम से आप कट भी कर सकते हैं, यहां भी ऐसे 10.2 तो उसको भी ऐसे पॉइंट हटा के 0 लिख लीजिए है ना, तो 102/10 हो जाएगा, और अगर कुछ नंबर कट हो रहा है तो बिल्कुल आप आराम से थोड़ा कट कर लीजिए तो थोड़ा आसानी हो जाएगी, नहीं कट करना है तो कोई बात नहीं मत कट करिए। अब देखिए
यहाँ पर क्या है, ये आपका एक तरह से क्या होगा फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो 7 5 35 तो -35 अपॉन क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 3 4 5 0। ठीक है, मत करिए अभी, कोई बात नहीं। 9.5 अपॉन 10 लिखा हुआ है तो इसको भी आप इस तरह डेसिमल में चेंज कर सकते थे, है ना। तो आप इसे तो 9.5 ही लिखा रहने दीजिए अभी, या लिखना चाहो तो लिख लो, कोई बात नहीं। इक्वल टू यहां पर 102 अपॉन 10 लिखा, तो इसको भी रहने दीजिए, इसको भी लिख लीजिए। प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते, ये कट हो रहा हो तो कट भी कर लो, कट हो रहा कट कर लीजिए, थोड़ा सा और इजीली हो जाएगा कि इतना बड़ा बड़ा हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करें, है ना, ग्रेटर में हो जाएगा। देखिए कट कर लेते हैं ऐसे, देखिए 5 7 35 और ये हो जाएगा 5 6 30 और 5 9 45, कट हो गया बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे कोई नहीं कट हो, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट कर लीजिए 2 से 2 5 10 2 1 2 और 2 5 10। ठीक, ये भी कट हो गया, यहाँ भी कट कर लेते हैं 5 से 5 5 5 5 9 45 5 2 10। तो देखिए ये भी कट हो गया, इसे भी कट कर लेते हैं 5 5 5 5 2 10। ठीक, ये भी कट हो गए। अब तो यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं कटने वाले हैं, कोई कट जाए तो आप इसे क्या लिख लेंगे। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, -7 अपॉन ये देखिए -7 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -7 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2 5 10 2 0 1 और 2 4 19 और 2 3 6, ये हो गया, है ना। प्लस यहां पर भी नोट करेंगे तो 19 अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 51 अपॉन 5 प्लस और 7 7 49 -49 अपॉन 69। ये देखिए इस तरह यहाँ पे सोल्यूशन आने वाले हैं, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आपको ऐसे ही सोल्यूशन करने पड़ेंगे, क्योंकि करेंगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा हमारा, है ना। और नहीं भी करते तब भी हमारा आराम से काम चल जाता, थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं। इसे यहाँ पे देखिए 690 अपॉन 2 लिखा हुआ है लेकिन यहां पर नहीं आएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी वैसे। चलिए ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन करते हैं। यहां पर देखिए 690 और 2 लिखा हुआ है तो यहां पर देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या मिल जाएगा, 690 तो मिल ही जाएगा तो लिख लीजिए इक्वल टू। यहां पर देखिए एलसीएम क्या मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 5 9 45 5 4 और 5 30 और 4 34। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए 690 डिवाइडेशन करेंगे इसमें तो 1 टाइम 1 का मल्टीप्लीकेशन -7 प्लस और 2 का डिवाइडेशन करेंगे इसमें तो 2 3 4 345 आएगा और यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो 95 95 5 कैरी 9 19 4 76 और 76 और 9 क्या हो जाएगा 85 5 कैरी 8 और 5 3 15 sorry 19 3 57 और 57 में 8 प्लस कर दीजिए क्या हो जाएगा 65 बहुत लंबा हो गया भाई 655। और यहां पर भी देखिए इसी तरह मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये होगा 69 टाइम्स, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 69 मल्टीप्लाई 51। और ये देखिए प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे देखिए 5 टाइम 5 को मल्टीप्लीकेशन करिए ये इतना आया भाई। देखिए इस तरह बड़ा कैलकुलेशन हो गया, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गया इसमें, है ना। चलिए कैलकुलेशन है तो किया जाएगा, क्या किया जाए, है ना, सोल्यूशन तो करना ही है। और इसको देखिए आप माइनस करेंगे, माइनस करिए यहां पर, इसको कट भी करना है, बहुत बड़ा हो गया। आगे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका मल्टी यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे 15 में 7 माइनस करिए 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8 4 5 6 6 5 4 8 अपॉन 6 9 0 इक्वल टू। इसमें देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर लीजिए 9 5 माइनस करेंगे 4 और ये देखिए 11 4 माइनस की 7 और यहाँ पे देखिए 4 में 2 माइनस करेंगे 2 और 3 अपॉन 3 4 5, है ना। देखिए आप अब सोल्यूशन यहाँ पर हो गया, आप इसी तरह थोड़ा सा आगे और सोल्यूशन करके LHS इक्वल टू RHS लेकर आइएगा। देखिए वीडियो बहुत लॉन्ग होता चला जा रहा है और कैलकुलेशन करने में भी टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा आप उसको समझते हुए घर में और अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिएगा और LHS इक्वल टू RHS ही लेकर आना है, दोनों आ जाएंगे, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ड्रॉप करवा रहे हैं, बाकी अभी वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें ई है जो कि उसको पढ़ा दें, नहीं भी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसको आप थोड़ा सा और घर में कर लीजिएगा। ठीक है, या हम इसको इरेज किए दे रहे हैं क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग बहुत हो रहा है और कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, टाइम बहुत लग रहा है, फिर कैलकुलेशन भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको ई पढ़ा दे रहा है और बाकी उसको कैलकुलेशन करके LHS इक्वल टू RHS आपको ले आना है।
एट एक्स अपॉन थ्री इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। देखिए यहाँ पर भी एक सोल्यूशन दिया गया, फ्रैक्शन था, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ाया दे रहे हैं, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें करेंगे कैसे, आप इसके नीचे वन मान लीजिए, तो ये देखिए फ्रैक्शन हो गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, एट एक्स का मल्टीप्लाई एट एक्स इक्वल टू थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा और माइनस थ्री फाइव जो फिफ्टीन। ये कैसे आया समझ में आया आपको, इसके नीचे वन लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एट एक्स बन जाए एट एक्स हो जाएगा और थ्री से जब मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री एक्स और माइनस थ्री फाइव फिफ्टीन, दोनों में होता है ध्यान रखिएगा, पहले थ्री का एक्स में करेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा और माइनस थ्री फाइव में फिफ्टीन। अब जो वैल्यू एक्स एक्स की होगी एक तरफ लिख लीजिए इक्वल टू माइनस फिफ्टीन, एट में थ्री माइनस करेंगे क्या हो फाइव एक्स माइनस फिफ्टीन, और ये देखिए फाइव मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा किसमें हो जाएगा डिवाइडेशन में, माइनस फिफ्टीन फाइव फाइव थ्री जब फिफ्टीन एक्स इक्वल टू क्या हुआ माइनस थ्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो भी x की वैल्यू आई है इसी तरह आप इसको पुट करिएगा, दैट इज राइट आंसर। ये थोड़ा सा इजिली तुरंत पढ़ाया दे रहा है, इसको देख लीजिए, एट मल्टीपाई एक्स लिख लेंगे अपॉन थ्री इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। देखिए x की वैल्यू क्या आई माइनस थ्री, इसको पुट कर दीजिए तो एट मल्टीपाई माइनस थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस थ्री माइनस फाइव। ठीक है, एट थ्री का क्या होगा ट्वेंटी फोर, माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन थ्री इक्वल टू ये माइनस थ्री माइनस फाइव दोनों माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे माइनस एट हो जाएगा और थ्री एट जाए ट्वेंटी फोर, देखिए माइनस एट इक्वल टू माइनस एट। इसी तरह एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आएगा, पॉइंट वाला क्वेश्चन जरूर था लेकिन थोड़ा सा सोल्यूशन करिएगा, और इसी तरह एल एच एस इक्वल टू आर एच एस की कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो बाकी उसको आप सोल्यूशन करिएगा, कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो भी बताइएगा, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए जाएंगे, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू आपका एंड हो गए, इसमें आप x की वैल्यू निकालिए, जो भी वैल्यू जाएंगे पुट करिए, इसी तरह सोल्यूशन आपको करने थे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर आएगा, इस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए क्वेश्चन समय में लाइक जरूर करिए, चैनल पर जो भी बच्चे नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन आने प्रेस कर लीजिए, जैसे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।